प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। ब्राह्मण मार्ग पर चल सी है। बोलिए दीदी। दीदी डॉक्टर के पास गलिए, बच्चा के तबियत दब रहे, तब बच्चा के बतलक साग सब्जी हरा खाए के लिए, तब लाबे छे बाजार से, तब थोड़ा बहुत बच्चा खिलबे छे, और अपन लगेतिए बाड़ी है साग सब्जी, तो और खिलेतिए बच्चा के, खेत भी पड़ती है दीदी, उन्हें सोचे छे कि साग सब्जी लगेतिए इधर नहीं लगा पाबे छे, केना लगेबे हमरा तो पता नहीं छे दीदी। हाँ दीदी, हमू खेती तैयारी करने छे, आ मालूम छे कि वीआईपी संगीता दीदी छे खेती बताबे छे, चलू अपना दोनों गोटे मिल के संगीता दीदी से बात विचार करके साग के खेती के बारे में पूछबे, दीदी बतेते। चलियो दीदी जाए छे, तनिटा बच्चा के रखे छे। प्रणाम संगीता दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम संगीता दीदी। प्रणाम। बड़ा धूप में आयल छे दीदी। हाँ दीदी, रंजू दीदी के घर पर गेल रही है, तो रंजू दीदी के बच्चा की तबियत दब रहे दीदी, तो दीदी सोचे रहे कि जो कुछ खेत खाली छे जो साग लगेती है, तो बच्चों के डॉक्टर बतेने छे हरा साग खाए ले, तो हमू बोलिए दीदी चलू हमू साग के खेती करबे, तो संगीता दीदी जाने छे, चलू एक जरा समझ लेबे दीदी बताए देते। ठीक है दीदी, चलू बता दे। दीदी यहाँ अपन परिचय नहीं देवे? हाँ दीदी परिचय देवे। सभी दीदी भैया को प्रणाम, मेरा नाम संगीता देवी, काजल जी जीविका स्वयं सहायता समूह का सदस्य हूँ, रोशनी जीविका महिला ग्राम संगठन निम्न 14 समूह के साथ वीआरपी पद पे काम करती हूँ। मेरा घर काश नगर पोस्ट पर रियाल थाना सोनवर्षा जिला सहरसा का मैं निवासी हूँ। हाँ दीदी, कौन कौन सामान लगे छे दिखा दियो ना। चलो दीदी दिखा दे छो। देखो दीदी की आर सामान लागे छे से हम अहाँके बतबै छो। ई देखियो दीदी, लाल साग छे, S1 निराला बेटी के साग छे। हाँ लाल साग छे दीदी। हाँ दीदी लाल साग छे। आ ई देखियो दीदी कटोरी छिके। कटोरी लागे छे दीदी। हाँ दीदी कटोरी लागे छे, बिया बुनबै तो कटोरी रहत तभे ने बिया बुनबै खेत में, ओ खातिर कटोरी लागे छे। ई दीदी देखियो ई पेपर छिके। पेपरो लागे छे दीदी। हाँ पेपर दीदी। पेपर से की काम है छे दीदी? दीदी एकरा धर देबै, एकरा पे बिया फाड़ के हम रखबै, तबे ने देखबै दीदी कि हमरा खेत में कतना बिया लागतै, ए खातिर पेपर लागे छे। हे दीदी हे देखियो ई खुरपी छिये। खुरपियो लागे छे दीदी? हाँ, खुरपी से की काम है छे? खेत के दीदी मट्टी बनेबै महीन करबै तो खातिर एगो खुरपी लागे छे। हे दीदी ए बर्मी कम्पोस्ट छिये। बर्मी कम्पोस्ट लागे छे दीदी? हाँ दीदी बर्मी कम्पोस्ट लागे छे, खेत में जखनी बिया बुनबै दीदी, हाँ। मट्टी में बर्मी कम्पोस्ट मिलाए देबै आ तब ऊपर से बिया छिटबै, खातिर बर्मी कम्पोस्ट लागे छे। हे दीदी देखियो ई एगो कोदाल छे, कोदारि भी लागे छे। कोदारो लागे छे दीदी? हाँ, कोदार से की काम है छे? कोदार से दीदी कोरबै खेत के तबे ना अहाँके खेत बनतै, ए खातिर कोदारि लागे छे। कोदारो लागे छे ने? हाँ देखलिए ने दीदी सब इहा सब सामान के जरूरी छे। हाँ देख लेलिए दीदी। चलो दीदी। चलो दीदी। दीदी देखियो एक दिन के कोरल खेत छे, एकरा आब बर्मी कम्पोस्ट छिटबै, छीट के एकरा मिलाए देबै, दो दिन एकरा छोड़ देबै। हे हम बर्मी कम्पोस्ट छिटै छौ अहाँ देखबै दी, देखियो बर्मी कम्पोस्ट छिटबै, देखो छीट देखियो दीदी छीट रहल छौ हम बर्मी कम्पोस्ट, अहाँ देख देखियो देखै नहि छियै दीदी बर्मी कम्पोस्ट छिटै छियै। हाँ दीदी देखियो दीदी जे बर्मी कम्पोस्ट छिटलियै ओकरा हे हम कोदार से मिलबै छियै, अहाँ देखियो केना मिलबै छियै, देखै छियै दीदी। हाँ हम कोदार से एकरा मिलाए रहल छियै। देखियो दीदी कोदार से एकरा मिलाए देलियै दीदी, हम देखलियै बर्मी कम्पोस्ट देलियै देख मिलाए देलियै, आब दीदी एकरा दू दिन खातिर छोड़ देबै, दू दिन के बाद फेर हम अयबै दीदी एकरा में बिया छीट के मिलेबै दीदी। चलू आब घर, दू दिन के बाद अयबै तब बॉक करबे। ठीक छै दीदी चलियौ घर। चलू दीदी अब घर।
हाँ दीदी, दू रोज भए गेल छै, बीजो उपचार हेतै? हाँ दीदी, बीज उपचार हेतै। चलू बताए दै छौ, बहुत आसान छै दीदी बीज उपचार करैमे। आबू बतैयो। देखियो दीदी, ई 50 ग्राम लाल साग के बीज छियै। लाल साग के बीज छियै दीदी? हाँ। 50 ग्राम? जी दीदी। ई देखियो, देसी गाय के गौमूत्र छियै 100 ग्राम। ई देसी गाय के गौमूत्र जी 100 ग्राम? हाँ। ई देखियो दीदी, दस्ताना छियै। दस्ताना? 10 दस्ताना लागै छै? हाँ दीदी, ई छियै बेबिस्टिन पाउडर। इहो लागै छै बेबिस्टिन पाउडर? हाँ दीदी, बेबिस्टिन पाउडर। ई सूती कपड़ा छियै। कपड़ो लागै छै? हाँ। देखियो दी, 50 ग्राम जे लाल साग के बीज छियै, एकरा 100 ग्राम देसी गौमूत्र में डालै छियै। देखलियै ने दीदी, 100 ग्राम? हाँ, देखलियै। आप दीदी एकरा 10 मिनट छोड़ दे छी। आप दीदी 10 मिनट भए गेले। हां गेले दीदी। हां, आप देखियो दीदी, देखियो दीदी, ई सूती कपड़ा छियै, एकरा अब हम साग के बीज का छानै छी। हां दीदी, हे देखियो, छानै छी बीज का। छनलाके बाद दीदी की करबै तब? देखियो ने दीदी, छानि देलियै। हाँ। आब एकरा हम एकर पानी के निकालै खातिर थोड़ा देर एकरा हवा में छोड़ दै छियै सुखै लए। हाँ दीदी, धूप में नहीं सुखाना छै दीदी, एकरा हवा में सुखाना छै। अच्छा। देखियो दीदी, एकरा हे हम लारि दै छियै। कितना देर दीदी? एकरा दीदी 10 मिनट छोड़ दै छियै, जेकि एकरा हवा लागि जेतै। 10 मिनट? देखियो दीदी, ई बेबस्टिन पाउडर छियै, एकरा मिलबै खातिर ई दस्ताना हाथ में लगबै पड़ै छै। दस्ताना कथी लगबै पड़ै छै दीदी? दीदी, दस्ताना लगबै पड़ै छै ई खातिर कि ओ जहर होइ छै ओकरा। हाँ दीदी, ओहि खातिर दस्ताना लगबै पड़ै छै। आब देखियो दीदी, दस्ताना लगा लेलियै, आब हे देखियो, आधा चुटकी हम बेबस्टिन ओहिमे मिलबै छियै। देखियो दीदी, आधा चुटकी छै। हाँ, एकरा में देखियो दीदी, हम हे मिलबै छी। देखलियै ने दीदी? हाँ देखलियै। आब हे देखियो दीदी, एकरा मिलाए दै छी, अच्छा से मिलेबै जेकि सब बीज में मिल जेतै। हाँ। दीदी, ई बेबस्टिन पाउडर कथी लए मिलेलियै ये? ई दीदी, बेबस्टिन पाउडर मिलेलियै कि बीज में फफूंद नाशक रोग नहीं लागै छै, आ बीज भी उपचार बढ़िया तरह से आबै छै। बढ़िया से रंका। हाँ दीदी, ये खातिर बेबस्टिन मिलाएल जाइ छै। ठीक छै दीदी। तब चलो दीदी, अब खेत चलो। चलो दीदी। देखियो। हाँ दीदी, 2 दिन भए गेलै खेत में बर्मी कम्पोस्ट डालने। हाँ दीदी। आइ दीदी हम दोसर बीज के में छिटबै। देखियो दीदी, ये 50 ग्राम उपचारित बीज का पेपर पर रखै छियै। बाद हे 50 ग्राम ओहिमे हम मिट्टियो मिलाए दै छियै। मिट्टी मिलबै कोन कारण दीदी? मिट्टी मिलेलियै दीदी, ई बीया महीन बीया छै, ई छिटल नहि जेतै दीदी, एहि खातिर एकरा मट्टी मिलाए देलियै। मट्टी मिलेबै छिटैमे आसान हेतै, सब बीया एक रंग अयतै। अच्छा दीदी, मट्टी मिलेलियै एकरा अच्छा से। देखियो दीदी, मिलाए देलियै जेकि सब बीयामे मट्टी मिल जेतै। अब हमरा देखियो दीदी, हे कटोरी रहै, कटोरीमे बीज के हम रखै छौ, आ तब दीदी बीज के हम छिटबै। दीदी, हे कटोरी में बीज रखलियै, आब एकरा हम दीदी खेत में छिटबै। देखो दीदी। हाँ दीदी। आइ देखियो दीदी, हमर खेत में बीया छिटै छियै दीदी। ऐसे छिटल जाइ छै दीदी? हाँ दीदी, साग के बीया एनाहिए छिटल जाइ छै। अच्छा। एनाहिए दीदी साग के बीया छिट दै छै। ठीक छै दीदी, तब हम ऐसे छिटबै। दीदी अहाँ अपन खेत में। ठीक छै दीदी। देखो दीदी, एनाहिए एना करि के हम छिट रहल छौ बीया। ठीक छै। छिटबै।
चलो लाबू दीदी खुरपी लिया। चलो दीदी बताए छो अहाँ के हम केना खुरपी से। ठीक छै दीदी चलो आबू दीदी देखियो देखो ए खुरपी से हम मिलबै छी। ठीक छै दीदी देखो दीदी एकरा खुरपी से मिला लिया हाथो से मिलबै छियै दीदी हाथो से मिलाए देबै। ठीक छै दीदी मिलाए देलिए दीदी देखो दीदी जन्मिशन बढ़िया हेतै तब न जन्मिशन बढ़िया हेतै ऊपर में रहते दीदी तो सब बिया सुख जेते ये खातिर अच्छा से हाँ दीदी जो खर पतवार दीदी हाँ निकाल दे। ठीक छै दीदी लाल साग के छै दीदी एकरा वर्षा छोड़ कर सब सीजन में अहाँ लगा सकै छी। एक बात और छै जे कि अहाँ देखबै कि हमरा सब हरा साग लाल साग में लग गेलै कीड़ा तो हमरा रासायनिक दवाई के प्रयोग नहीं करना छै हमरा ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करना छै। ब्रह्मास्त्र केना दीदी प्रयोग करबै इहो अहाँ जानिए लिया 10 लीटर पानी में आधा लीटर ब्रह्मास्त्र देबै ओकरा से ओकरा छिड़काव करबै तब अहाँके कीड़ा मकोड़ा जे छै पत्ता पर लागल सब खत्म हो जाए। समझलिए ने दीदी। हाँ दीदी समझ तो गेलिए मगर ऐसे की फायदा है वाला छै। यस दीदी बहुत फायदा छै दीदी खेती करें तो हमरा कमे पूंजी लागलै एक कट्ठा खेत कर लिए दीदी ओहिमे तो हमरा 100 ग्राम बिया लागलै 5 किलो बर्मी कम्पोस्ट लागलै ओकर बाद हम 15 दिन के बाद जब साग 2 पत्ता भए जेतै तब एगो पानी दे देबै तो हमरा तो खेत से खेती करे में कमे पूंजी लागलै आ फायदा तो एक भए जेतै दीदी अहाँ के घर में बच्चो बीमार छै ओकरो खिलेबै ओहो पौष्टिक आहार होतै कुछ अहाँ के बचतै तो अहाँ बाजारो में बेच सकै छियै जे कि पैसा से अहाँ बच्चा के अपन परिवार के दूध दही खिलेबै ओकरो प्रोटीन मिलतै ये खेती करना दीदी बहुत फायदा छै ने दीदी। हाँ दीदी तब हम और करबै खेती। हाँ रंजू दीदी। हाँ दीदी संगीता दीदी जे बतेला की है खेती करे ले साग के हाँ। की करबे न। हाँ दीदी करबे बढ़िया लगल न खेती करे हाँ दीदी बढ़िया लगले न तो करबे दीदी और अपन बच्चों के खिलेबो करबे बेचबो करबे कुछ बचबो करते और बच्चा के ठीक रहते स्वास्थ्य करबे दीदी। चलो दीदी अब घर चलिए दीदी चले छियै।